नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करते हुए अपना क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बेस्ड है आइडियल सब टॉपिक ऑफ रिंग थ्योरी पर, वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले 11 प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑलरेडी कराई जा चुकी हैं और सभी के सभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिनको आप यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर्स में आराम से देख सकते हैं और उनसे रिलेटेड थोड़ा बहुत चेंज करके ऐसी प्रॉब्लम्स भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको अब तक कराए गए जो वीडियोस हैं वो अच्छे से क्लियर हों। जिस भी वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो जो हाल ही में चल रहे हैं उनमें आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जितना हो सके उतना एलेबोरेट करके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। एक चीज और, मेरे पास मोस्टली जो कमेंट्स आते हैं वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में वो आ रहे हैं 2-2.5 साल पहले अपलोड करे हुए वीडियोस पर, तो उन वीडियोस का आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो मैं अभी करा रही हूँ या जो अभी करंट प्लेलिस्ट चल रही है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही आप मुझसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट से। इफ यू एंड वी आर आइडियल्स ऑफ आर, लेट यू वी बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कैन बी रिटन एज फाइनाइट सम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म, एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म यू वी वेयर यू बिलोंग्स टू यू एंड वी बिलोंग्स टू वी, प्रूव दैट UV is B an ideal of R। सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ और उसके बाद में इसका जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करूंगी। हमारे पास में R प्लस डॉट जो है वो एक रिंग है और U और V जो है वो इसके दो आइडियल्स हैं। हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं यू वी। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो इससे अगला क्वेश्चन होगा जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी वहां पर भी इस टर्म यू वी का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। यू वी के अंदर कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, यू वी बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कैन बी रिटन एज फाइनाइट सम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म यू वी, यानी कि इसमें किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे। सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n यू आई वी आई सच दैट यू आई बिलोंग्स टू यू, वी आई बिलोंग्स टू वी, n बिलोंग्स टू z प्लस, या n बिलोंग्स टू, आप इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। सपोज आपके पास में जो सेट U है उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं U1 U2, सेट V जो है उसके अंदर कलेक्शन है V1 V2। इसमें किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, इसमें आ जाएंगे U1 V1, ये फाइनाइट सम हो गया। इसमें आ जाएगा U1 V1 प्लस U2 V2, ये भी फाइनाइट सम है। इसमें आ जाएगा U1 V2, ये भी फाइनाइट सम है। सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, इसमें सम ऑफ टू एलिमेंट्स आ रहे हैं U1 V2। इसमें आ जाएगा U2 V1, इसमें आ जाएगा U1 V2 प्लस U2 V1। इसी तरह से हमारे पास में जितने भी फाइनाइट कलेक्शन हैं, जितने भी फाइनाइट सम्स हैं, यहाँ पर दो नंबर्स का सम आ रहा है, उसी तरह 3, 4, 5, 6 जितने भी फाइनाइट सम्स आ रहे हैं उन सब का जो कलेक्शन है वो है यू वी। अब यहाँ पे देखिए किसी भी चीज को, किसी भी सबसेट को अगर हमें आइडियल प्रूफ करना होता है, सॉरी किसी भी सेट को, तो सबसे पहली जो चीज है वो हमें ये शो करनी होती है कि वो नॉन एम्प्टी है। यू वी इज नॉन एम्प्टी,
बिकॉज जीरो जो है वो यू को बिलोंग कर रहा है, जीरो जो है वो वी को भी बिलोंग कर रहा है, ये दोनों आइडियाज हैं इसलिए जीरो यहाँ पर आ रहे हैं. देयरफोर जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू जीरो, ये क्या है, एक नंबर का सम विच बिलोंग्स टू यू वी. तो हमारे पास में यू वी जो है वो नॉन एम्प्टी आ गया और यू वी जो है वो आर के अंदर कंटेन भी कर रहा है, क्योंकि इसमें किस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें लीनियर कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं या जो भी कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ आर के. यू वी कंटेन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर, तो आर के जितने भी एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, चाहे वो एडिशन से हो चाहे वो मल्टीप्लिकेशन से हो, वो सब आर के अंदर बिलोंग करेगा. तो इसी तरह से पूरा का पूरा सॉरी जो यू वी है वो आर के अंदर कंटेन कर जाएगा. यहाँ पर मैंने पहले बोला था लीनियर कॉम्बिनेशन, फिर मैंने लीनियर की बजाय बोला जो भी कॉम्बिनेशन. ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज हमारे पास में U के अंदर, ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट है इसे आप प्रूफ में मत लिखिएगा, सपोज आपके पास में U के अंदर ये दो एलिमेंट्स हैं और V के अंदर है आपके पास में U1 V1. सपोज U1 जो है वो दोनों में आ रहा है, तो आपके पास में इस कॉम्बिनेशन इस कलेक्शन UV के अंदर एक एलिमेंट U1 स्क्वायर आ जाएगा, U1 इंटू U1, एक ये वाला एलिमेंट भी आ जाएगा. तो ये हमारे पास में क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हुआ. यहाँ पर आप बोलोगे कि क्वाड्रेटिक भी आ रहा है, इसलिए मैंने वो लीनियर वर्ड को यहाँ पर स्किप कर दिया है. जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो सब आ रहे हैं यूवी के अंदर, तो यूवी जो है वो आर के अंदर कंटेन कर जाएगा. तो अब हमें प्रूफ करना है आइडियल, तो आइडियल की जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए. लेट x y belongs to u v, तो हमारे पास में x जो है वो अगर u v के अंदर belong करेगा तो वो किस तरह का होगा, I is equal to 1 to n u i v i, जहां पर ये जो u i v i है ये किसको belong कर रहा है, u i u को, और v i belong कर रहा है v को, for all I is equal to 1 to n. और y जो है वो u v, वो भी यू वी को बिलोंग कर रहा है, तो वाई भी कुछ इस तरह का ही होगा, यू आई डैश वी आई डैश. और यहाँ पर देखिए फाइनाइट सम है तो वो फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि एन नंबर्स के ही सम जो हैं वो इसके अंदर आएंगे या एन प्लस वन नंबर्स के ही सम आएंगे, तो वो जो सम है वो फाइनाइट है बट फिक्स नहीं है. तो ये एम होगा कोई, ये दोनों हमेशा सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमेशा अलग भी हो सकते हैं. फर्स्ट फाइव टर्म्स का भी कलेक्शन हो सकता है, फर्स्ट टेन नंबर्स का भी कलेक्शन हो सकता है. तो इस तरह से ये जो हैं ये हमने यहाँ पर डिफरेंट लिए हैं. अब हम कंसिडर करते हैं एक्स माइनस वाई, क्योंकि हमें ये शो करना है टू शो एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू यूवी. अब ये यूवी का हिस्सा कब होगा, जब एक्स माइनस वाई जो है वो भी कुछ इसी तरह की फॉर्म का होगा. तो हम x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये आ गया I is equal to 1 to n u i v i minus sigma I is equal to 1 to m u i dash v i dash. ये आ गया I is equal to 1 to m u i v i plus I is equal to, यहाँ पर एक और चीज है, u i dash belongs to u, v i dash belongs to v, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n. अब इसको मैं अंदर ले जाती हूँ तो ये आ गया माइनस यू आई डैश वी आई डैश. यहाँ पर देखिए ये जो यू आई है वो यू को बिलोंग करता है, यू आई बिलोंग्स टू यू, यू आई डैश बिलोंग्स टू किस में बिलोंग कर रहा है, ये एम है और ये n है. यू आई डैश किसको बिलोंग कर रहा है, वो भी u को बिलोंग कर रहा है. तो माइनस यू आई डैश जो है वो भी u को बिलोंग कर गया, एंड vi जो है वो v को बिलोंग कर रहा है, vi डैश जो है वो v को बिलोंग कर रहा है. तो आप ये देख रहे हो कि ये जो सम आ रहा है
वो भी हमारे पास में कुछ इस तरह का ही आ रहा है, यू वन वी वन प्लस यू टू वी टू प्लस, ये देखिए ये जो टोटल सम है ये भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारे पास में किसको बिलोंग कर जाएगा, यू वी को। देयरफॉर एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू यू वी, और एक्स और वाई जो थे वो आर्बिटरी एलिमेंट्स थे, देयरफॉर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू वी, सॉरी देयरफॉर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू यू वी। तो इस तरह से हमारे पास में ये जो पहली कंडीशन है आइडियल वाली वो प्रूव हो जाती है। अब हमें आइडियल के लिए जो नेक्स्ट कंडीशन होती है हमारे पास में वो लेनी है, लेट एक्स बिलोंग्स टू यू वी एंड आर बिलोंग्स टू आर, टू शो एक्स आर एंड आर एक्स बिलोंग्स टू यू वी। अब हमें पता है कि एक्स किस फॉर्म का है, आई इज इक्वल टू वन टू एन यू आई वी आई, जहाँ पर यू आई जो है वो यू को बिलोंग करता है, वी आई जो है वो वी को बिलोंग कर रहा है। हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स आर, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आ गया यू आई वी आई, ये समीशन मल्टीप्लाई बाय आर। अब बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यू आई वी आई आर, हर एक जो वी आई है वो वी का एलिमेंट है, हर एक वी आई जो है वो वी का एलिमेंट है, वी आई वी का एलिमेंट है, आर जो है वो रिंग का एलिमेंट है, और हर एक जो वी आई है वो वी का एलिमेंट है, आर जो है वो रिंग का एलिमेंट है, तो हमारे पास में वी आई आर जो है वो वी को बिलोंग करेगा क्योंकि वी एक आइडियल है, तो हम हर एक वी आई आर को क्या ले लेते हैं, वी आई डैश, ये क्या आ गया वी आई डैश। अब यू आई जो है वो यू का एलिमेंट है, वी आई डैश जो है वो वी का एलिमेंट है, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू वन टू एन, तो ये किस तरह के फॉर्म के आ गए, यू आई इंटू वी आई डैश, ये बिलोंग कर गया हमारे पास में यू वी के अंदर। देयरफॉर एक्स आर बिलोंग्स टू यू वी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू वी फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे हमने फॉर ऑल इसलिए लिखा है क्योंकि एक्स और आर जो थे वो आर्बिटरी एलिमेंट्स थे यू वी और आर के। अब हम कंसिडर कर लेते हैं आर एक्स, कंसिडर आर एक्स, आर को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड से, सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन यू आई वी आई आर, तो ये बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आया था यहाँ पर ये वाला स्टेप, तो नेक्स्ट भी हमारे पास में यहाँ पर बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया आर यू आई वी आई। अब देखिए सेम रीजन जो पिछले उसमें दिया था, पिछले पेज पर यू आई जो है वो यू को बिलोंग करता है, आर जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, तो आर यू आई जो है वो यू को बिलोंग करेगा क्योंकि यू एक आइडियल है, तो हम हर एक यू आई को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, यू आई डैश से, तो ये हो गया सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू एन यू आई डैश वी आई, तो यू आई डैश जो है वो यू को बिलोंग कर रहा है, वी आई जो है वो वी को बिलोंग कर रहा है, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है वो बिलोंग कर जाएगा यू वी को। Therefore, R x belongs to U v, और R जो थे और x जो थे वो आर्बिटरी एलिमेंट्स थे, तो फॉर ऑल x belongs to U v एंड फॉर ऑल R belongs to R, तो इस तरह से हमने आइडियल्स की जो सभी कंडीशन है वो प्रूव कर दी है, तो इस तरह से हमारे पास में U v is an ideal of R, तो इस तरह से हमारे पास में U v जो है वो एक आर का आइडियल आ जाता है। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन की मैंने एक और स्टेटमेंट जो है वो एग्जाम में देखी थी, तो वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ यू इज अ लेफ्ट आइडियल ऑफ आर एंड वी इज अ राइट आइडियल ऑफ आर,
देन यू वी विल बी आइडियल ऑफ आर. आपको अगर यू और वी दोनों आइडियल देने की बजाय इनमें से एक एक कंडीशन को खत्म कर दिया जाए, यानी यू को खाली लेफ्ट आइडियल बना दिया जाए और वी को खाली राइट आइडियल बना दिया जाए, तो भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि यू वी जो है वो आर का एक आइडियल है. क्योंकि जब आप लेफ्ट और राइट आइडियल वाली कंडीशंस देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खाली लेफ्ट आइडियल ऑफ यू का इस्तेमाल हुआ है. तो हम खाली एग्जाम में अगर यही देते हैं आपको, और जो इससे पिछले पेज पर करवाया था वहाँ पर राइट आइडियल ऑफ वी का इस्तेमाल हुआ है, तो इस तरह से एग्जाम में आपको अगर खाली ये कंडीशन दे दी जाए कि यू जो है वो एक लेफ्ट आइडियल है आर का और वी जो है वो एक राइट आइडियल है आर का, तो भी हमारे पास में यू वी जो है वो एक आइडियल होगा. और यू वी जो कि मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन करा है कुछ इस तरह से, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन यू आई वी आई सच दैट यू आई बिलोंग्स टू यू वी आई बिलोंग्स टू वी, ये वाला जो कलेक्शन है इसको आप एक स्टैंडर्ड कलेक्शन मान के चलिए. क्योंकि इस कलेक्शन पे बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स मैं आने वाले वीडियोस में करने वाली हूँ, और इसको आप एक स्टैंडर्ड ही मान के चलिए कि कभी भी अगर हमें कुछ प्रोडक्ट लेना है आइडियल्स का, तो उसमें दो आइडियल्स के प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से डिफाइन करके लिया जाएगा. तो इस तरह से हमारा आज का ये जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और वो बेस्ड होगी इसी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स के ऊपर. अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोज़ देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.